बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक बार फिर से पंचायती राज्य के अंतर्गत प्रत्याशी अपने अपने नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं। गांधी जी का कहना था कि विकास की किरण जब तक अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तब तक कि वो विकास सही नहीं है, और पंचायती राज्य के कॉन्सेप्ट को इसी के तहत आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 10 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मेरे पंचायत में भी प्रत्याशी एक एक करके नामांकन दर्ज करा रहे हैं। इस पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वैसे तबके से भी, कमजोर तबके से भी लोग निकल के आ रहे हैं जिन्हें अब तक के समाज ने हाशिए पर रखा था, जिनकी आर्थिक आमदनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जज्बा दिखाया है, ये हिम्मत दिखाई है कि बाहुबलियों के इस दौर में वो नामांकन जाके अपना दर्ज करा सके। यदि आप ब्लॉक ऑफिस पर भी पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि कमजोर तबके के उम्मीदवार जिनकी आर्थिक आमदनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनका समर्थन है, लोग उनके साथ आ रहे हैं और एक उत्सव जैसा माहौल है। तो एक तरफ जहाँ हमने विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर लेवल का प्रचार देखा, हेलीकॉप्टरों से नेता आते थे और ऊपर हाथ हिला के चले जाते थे, उसके विपरीत ग्राउंड लेवल यहाँ पे कैंपेनिंग चल रही है। उम्मीदवार आते हैं, लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, मिलते हैं। कुछ सख्तियाँ चुनाव आयोग ने इस चुनाव में बरती हैं, जिसके तहत सिर्फ मुखिया के पद के लिए प्रत्याशियों को 2 मोटरबाइक और जिला परिषद के लिए 1 4-व्हीलर अलाउ किया गया है। तो कहीं ना कहीं बाहुबल और धनबल को नियंत्रित करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस चुनाव में पैसे और शराब का भारी बंदरबांट होने की उम्मीद है। हालांकि 1 अप्रैल से बिहार में नीतीश सरकार ने शराब पे बैन लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सूत्र ये बता रहे हैं कि उसके 1 अप्रैल से पूर्व ही लगभग सारे पैसे वाले उम्मीदवारों ने भारी मात्रा में शराब खरीद करके अपने घर पे या अपने गुप्त ठिकानों पे उसको स्टोर कर लिया है ताकि उनको चुनाव में बांटा जा सके। एक दूसरी चिंता यह है कि इस चुनाव में बिहार में CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स की बहाली नहीं की जाएगी, क्योंकि दूसरे 5 राज्यों में भी चुनाव है, जिसके कारण उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। ऐसे में पूरा चुनाव सिर्फ बिहार पुलिस के हवाले है, ऐसे में बूथ कैचिंग और हिंसा की भी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन बाकी कुछ भी हो, चुनाव 10 चरणों में है, 2 महीने तक की कैंपेनिंग का समय दिया गया है। यदि आपको पंचायत चुनाव की खूबसूरती को देखना है, यदि आपको देखना है कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है, यदि आपको देखना है कि कमजोर तबका भी लोकतंत्र में कैसे भागीदारी कर रहा है, क्योंकि इस चुनाव में भारी मात्रा में SC ST और OBC और महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटें की गई हैं, तो यदि आपको देखना है कि लोकतंत्र में कमजोर तबका और महिलाएं कैसी अपने भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, कैसे वो घरों की दहलीज लांघ करके बाहर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो एक बार बिहार आइए और समझिए बिहार के पंचायती राज को। धन्यवाद।